इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है हनुमान बेनीवाल साहब। बेनीवाल जी से बात करेंगे। सर, लगातार आप बीजेपी कांग्रेस को कोसते रहे और आज पहली बार आप 10 साल बाद में आप बीजेपी ऑफिस पहुंचे, लगातार कोसते रहे बीजेपी कांग्रेस को, आज आपने बीजेपी से गठबंधन किया, किस बेस पर? अभी स्टेट के इलेक्शन नहीं है, अभी देश के इलेक्शन है और मैंने गठबंधन की बात करी थी। भारतीय जनता पार्टी से मेरा अलायंस हुआ है, गठबंधन हुआ है, जिसमें नागौर से मैं आरएलपी से लड़ूंगा और बाकी जगह भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के साथ तमाम स्टेट के अंदर मदद करूंगा। देश यही चाहता है, नौजवान यही चाहता है। मैंने भी सर्वे करवाया, लोगों की इच्छा थी कि नरेंद्र जी मोदी को पीएम बनाओ, आप बीच में अड़ंगा मत डालो इस तरह का। तो हमने सबकी भावनाओं की कदर करते हुए भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन। बिल्कुल, आपने कहा कि हमने सर्वे कराया, आपको पता है, आप खुद ही इस चीज को मान रहे हो कि कांग्रेस आपसे संपर्क थी और कांग्रेस के साथ आपने 7 सीटों की बात रखी, कांग्रेस आपका गठबंधन नहीं हुआ। अगर आपका गठबंधन हो जाता तो आपको नहीं लगता आपके साथ आप बहुत बड़ी गलती कर बैठते, क्योंकि सर्वे आपके मोदी के पक्ष में आ रहा था? नहीं, मोदी जी का सर्वे तो बीजेपी ने करवाया था, मैंने मेरे लोगों का सर्वे कराया। जब कांग्रेस का गठबंधन टूट गया, 7 सीट की बात रखी थी कांग्रेस, देखो कांग्रेस कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं, हमने जो राजस्थान में कहा वो किया, कांग्रेस बीजेपी को बैलेंस किया राजस्थान के अंदर। और अब चूंकि देश का चुनाव है तो देश के चुनाव में हमें देश हित में निर्णय लेना है, हमें हमारी पार्टी को भी जिंदा रखना है और देश को भी जिंदा रखना, दोनों चीजें हमारे लिए जरूरी, इसलिए अलायंस कर लिया। और इसका रिजल्ट आप देखना कितना, 25-0 हो जाएगी कांग्रेस। तो जोधपुर में आपको लगता है वैभव गहलोत को आप हरवा पाएंगे? वैभव गहलोत 2 लाख से हारेगा। हनुमान बेनीवाल आज बीजेपी से गठबंधन कर चुके हैं, नागौर से चुनाव लड़ेंगे, भाजपा इनको सपोर्ट करेगी, साथ ही हनुमान बेनीवाल बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ पिंटू सिंह नरू का एवन टीवी।